दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अप स्टॉक पे हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो इसका डाउनलोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से डाउनलोड होने के बाद शो करेगा, जहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू जो है साइनअप करना होगा या रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं कंट्री कोड के साथ और साइनअप पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही साइनअप पर क्लिक करेंगे, एक ओ टी पी आपके मोबाइल पर जाएगा और वो ओ टी पी यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। तो इंटर करने के बाद कंटिन्यू आप करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे पिन हम आपको क्रिएट करना होगा, जो कि 6 डिजिट का होना चाहिए। तो 6 डिजिट का पिन यहाँ पे इंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटर योर ईमेल एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हमें जो है अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिर से इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो यहाँ पे पैन कार्ड का आपको डिटेल देना होगा। तो पैन कार्ड का अपना डिटेल आप यहाँ पे इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, मंथ, ईयर और डे के हिसाब से। और यहाँ पे करने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ एक डिटेल आपको शो कर रहा है, नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल आपको देना होगा, जैसे आपका जेंडर हो गया, मैटरिटी स्टेटस हो गया, एनुअल इनकम हो गया। तो इस तरीके से जो भी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है आप वहाँ पे सेलेक्ट करके और उसके बाद जो है आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका पैसा क्या है तो वो भी आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद हम देखते हैं आगे कि क्या क्या ऑप्शन शो कर रहे हैं। अब इसके बाद टैक्स पेयर डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जिस पर आप दोनों ऑप्शन पे चेक मार्क करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कंग्रेचुलेशन का आपको मैसेज आ गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस आपका शो करेगा, जो कि आपके पैन कार्ड के हिसाब से इसने लिया है। अब उसको देखेंगे, अगर सही है तो यस करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर डिजिटल सिग्नेचर आप जो है यहाँ पर अपना करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद कंटिन्यू करना होगा हमें। तो कंटिन्यू हम करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका फोटोग्राफ्स आपको लेना होगा। मोबाइल का कैमरा आपका इनेबल होना चाहिए। लेने के बाद एक्सेप्ट करिए, फिर से आप रिटेक कर सकते हैं अगर फोटो सही नहीं आया तो, और सही आया तो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल आपको देना होगा, जैसे अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया। तो ये सारा डिटेल जो है आपके पास होना चाहिए और प्रॉपर डिटेल आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और करने के बाद अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सेविंग है, करंट है, किस टाइप का आपका अकाउंट है, तो उसको सेलेक्ट करके फिर आप कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने आधार को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आधार के नीचे यस लिखा हुआ है, यस पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद करेंसी एंड कमोडिटी का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको अपडेट करना होगा। अगर आपके पास इनकम से रिलेटेड डिटेल है, ITR वगैरह है, तो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, अदरवाइज नो आई विल डू लेटर पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर नॉमिनी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो फिर बैक जाके आई विल डू इट लेटर पे आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास नॉमिनी नहीं है। फिर उसके बाद आधार का ऑप्शन आता है, तो आधार को OTP के थ्रू जो है हम वेरीफाई करेंगे। तो ई साइन नाउ आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन को चेक मार्क करके और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिटेल शो करेगा। अब डिटेल शो करने के बाद अब यहाँ पर आई हियर ऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके फिर आधार का अपना हम नंबर इंटर करेंगे और उसके बाद सेंड OTP पे सेलेक्ट करेंगे। और आपके आधार जो है मोबाइल नंबर के थ्रू जो है अपडेट होना चाहिए, जो कि OTP आपके मोबाइल नंबर पे या मेल आईडी पे जानी चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है अपडेट होना चाहिए। और अब यहाँ पे हमारा आधार जो है OTP के थ्रू वेरीफाई हो चुका है। तो वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग का स्टेटस यहाँ पे शो करने लगेगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। फिर आपको एक मेल रिसीव होगा, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिखेगा। तो इस यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू फिर से आप लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और पिन जो आपने क्रिएट किया था वो पिन आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं उसको भी। तो इस तरीके से आपको मेल रिसीव होगा। मेल रिसीव होने के बाद फिर से हम अपस्टॉक ऐप अपना ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे जो हमें मेल पे रिसीव हुआ था, फिर पासवर्ड डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम पासवर्ड फिर से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूजर आईडी हम अपना इंटर कर रहे हैं जो हमें मेल पे रिसीव हुआ था। अब फिर उसके बाद पासवर्ड इंटर करके फिर साइन इन पे जाएंगे
उसके बाद जो है पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, पासवर्ड इंटर करने के बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड हमने यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। और साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा, आपको अपना बर्थ का ईयर यहाँ पे इंटर करना होगा। तो हम बर्थ का ईयर अपना जो है इंटर कर रहे हैं, और इंटर करने के बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। इस पर क्लिक करके पहले आप पुराना वाला पासवर्ड जो आपको मेल पे रिसीव हुआ था उसे इंटर करेंगे, फिर पासवर्ड नया वाला यहाँ पे इंटर करेंगे। न्यू पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप जब इस पर अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो है आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। और KYC कंप्लीट होने के बाद जो है प्रॉपर आपके पास मेल के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारा अकाउंट एक्टिवेटेड है, जो कि मेल हमें रिसीव हो गया था। और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके फोटोग्राफ्स और बैंक अकाउंट का डिटेल वेरीफाई होने के बाद हमारा कंप्लीट हो चुका था। और जब आप लॉगिन कर लेंगे प्रॉपर, सारा कुछ आपका स्टेटस वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। और लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस शो करेगा, जहाँ से आप अपना जो है शेयर अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली।